अरे अरे मैडम जी, ये क्या कर रही हो आप? आंटी प्लीज, किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर आई थी। मेरे पीछे ना कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, और अगर उन्होंने मुझे देख लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और हाँ, थोड़ी देर में आकर ना मैं इस कद्दू के आपको पैसे भी दे जाऊंगी और अपना फोन भी ले जाऊंगी। और अगर उन गुंडों ने आपसे पूछा ना वो लड़की कहाँ गई है, तो प्लीज उनको कुछ मत बताना कि मैं किस साइड गई हूँ। अरे लेकिन मैडम, मेरी बात तो सुनिए। क्यों बे, यहाँ से लड़की को भागते हुए देखा है? नहीं नहीं भैया, मैंने तो कोई लड़की नहीं देखी। अबे अच्छे से याद कर, इधर से तो भागी हो। अरे साहब, मैंने बोला ना, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। भाई ये देख झुमका, इसका मतलब ये हमसे झूठ बोल रही है। साली हमसे झूठ बोलेगी? चल बता, सच सच बता, लड़की कहाँ गई? दीदी ये वाला कद्दू पैक कर दो। अरे भैया ये कद्दू ना खराब है, मैं आपको दूसरा कद्दू देती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, मुझे ये वाला कद्दू चाहिए, यही फ्रेश लग रहा है, आप यही पैक कर दो। अरे बेटा ये कद्दू ना सच में ठीक नहीं है, वरना मैं तो तुम्हें दे ही देती। अरे नहीं नहीं आंटी, बस मुझे पता है आप जानबूझ के खराब वाला कद्दू दोगे ना मुझे, मुझे यही वाला चाहिए, फ्रेश है ये, यही दो। लो बेटा, ये लो अपने पैसे। ए बुढ़िया सच सच बता, ये झुमका किसी लड़की का है? और ये उसी लड़की है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, बता लड़की कहाँ है? अरे भैया यहाँ हजारों लड़कियाँ आती हैं, पता नहीं किसका झुमका गिर गया है, किसी का भी झुमका गिर गया होगा ना। अबे छोड़ छोड़ इसे, थोड़ी से सही में पता नहीं होगा, चलो उसे कहीं और ढूंढते हैं, ऐसा ना हो कि वो हाथ से निकल जाए। हे भगवान, ये आज हो क्या रहा है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आंटी आपको पता नहीं है मैं कितनी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागी आई हूँ, लाइए आप वो कद्दू दे दीजिए। अरे बेटा वो कद्दू तो एक लड़का ले गया। अरे आंटी आपको मैंने बोला था उसमें मेरा फोन है, उस कद्दू को किसी को मत देना, फिर भी आपने दे दिया। मैं क्या करती बेटा, वो जब लड़का आया था ना तो यहाँ पे वो दोनों गुंडे खड़े हुए थे, मैं इसलिए कुछ बोल ही नहीं पाई और वो लड़का को कद्दू ले गया मेरे से। अरे दीदी ये कैसा कद्दू दिया आपने, इस कद्दू से तो फोन निकला है। ये मेरा फोन है। ओए लड़की चुपचाप मेरा फोन वापस कर दे, वरना देख लेना तेरे साथ क्या होगा। ये कह रहा है कि ये फोन इसका है, ये लड़की कह रही है कि फोन इसका है, और ये फोन कद्दू से निकल रहा है। अरे यार ये चल क्या रहा है यहाँ पे? अरे लड़की चोर है, मेरा फोन चुरा कर भागी है। क्या मैडम, ये तो बोल रहा है कि फोन इसका है और आपने चोरी किया, ये सच बोल रहा है? एक सेकंड, हाँ ये फोन मैंने चुराया है, पर इस फोन को चुराने के पीछे एक रीजन है। क्या रीजन? रीजन ये है कि ये बंदा मेरी बहन का एक्स है और इसके पास ना मेरी बहन की प्राइवेट पिक्चर्स है। ये वो पिक्चर्स दिखा दिखा के ना उसको ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मैं फोटोज वायरल कर दूंगा, इसीलिए मैंने ये फोन चोरी किया ताकि मैं अपनी बहन की फोटोज को डिलीट कर सकूं। और जब से मैंने ये फोन चोरी किया ना तब से ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुझे शर्म नहीं आई इतनी घटिया हरकत करता है एक लड़की के साथ? तुझे पता मैं कौन हूँ, इस एरिया का नया इंचार्ज, और तूने जो उसकी बहन के साथ गलत हरकत किया है ना, तुझे तो सजा बेटा मैं दिलवाऊंगा। मैडम आप प्रूफ लेके चलो, इसको तो अंदर मैं डालूंगा। चल